हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर गुडविल क्या होती है, गुडविल की क्या परिभाषा होती है और गुडविल को कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स के ऊपर अपन ने डिस्कस किया। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं गुडविल के बारे में, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की, वैल्यूएशन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, इस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि वे कौन सी परिस्थितियां होती है जब किसी भी बिजनेस की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, उसको करेंसी के अंदर मापा जाता है कि किसी बिजनेस की ख्याति कितने रुपए की है या कितने पौंड की है या कितने डॉलर की है। तो ख्याति का मूल्यांकन कब कब किया जाता है? नंबर एक, एट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब जब भी किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है बिजनेस के अंदर, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि गुडविल की जो बिजनेस की जो गुडविल है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। जैसे ए और बी बिजनेस चला रहे थे और सी को एडमिशन दिया जाता है, तो ए और बी ने अपने गुड बिहेव से, गुड क्वालिटी से 10-20 साल के अंदर उस बिजनेस की गुडविल बनाई है, और जब सी आता है तो उसको लाभों के अंदर हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाता है, तो उसको अपने हिस्से की गुडविल लानी पड़ती है। इसलिए किसी भी नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर सेकेंड, एक्सचेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कभी कभी स्टूडेंट्स फर्म के अंदर पार्टनर्स अपनी इच्छा से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ए बी और सी 5:3:2 के अंदर पार्टनर थे, 5:3:2 के अंदर वो अपने लाभ और हानि का विभाजन कर रहे थे। अचानक उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर से, नए साल से लाभों का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा, इक्वल रेशो के अंदर किया जाएगा। तो जब जब भी आपसी सहमति से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, तो किसी पार्टनर को तो गेन होता है और किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। गेनर पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स को जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन एक नए सिरे से किया जाता है। नंबर तीन, एट द रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ ए पार्टनर। यदि किसी फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर किसी भी कारण से रिटायरमेंट ले लेता है, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, और जैसे ही पुनर्गठन होगा एक नए सिरे से फर्म को बनाया जाएगा, तो रिटायरमेंट के ऊपर या डेथ के ऊपर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द रनिंग बिजनेस इज सोल्ड आउट। जब कोई चलता हुआ बिजनेस उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज सहित और गुडविल सहित, अकेली गुडविल तो ना तो खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, तो जब भी कोई रनिंग बिजनेस टोटली सेल आउट किया जाता है, बेचा जाता है, तो इस चीज का मूल्यांकन किया जाता है कि ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ दिस बिजनेस व्हाट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि आज की तारीख में या बिजनेस को बेचने की तारीख को इस बिजनेस की गुडविल कितनी है, तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, व्हेन टू फर्म्स आर अमालगमेटेड को हिंदी के अंदर बोलते हैं एकीकरण। जब दो पार्टनरशिप फर्म्स को मिलाकर
एक फर्म बना दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फर्म थी एक्स और वाई और जेड, 3:2:1, एक फर्म ये थी और दूसरी फर्म थी ए और बी की, और ये अपने प्रॉफिट को 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहे थे। तो जब इन दोनों फर्मों को मिलाकर एक फर्म कर दिया जाएगा तो इस फर्म के अंदर कितने पार्टनर हो जाएंगे? 5 पार्टनर हो जाएंगे, एक्स वाई जेड ए और बी। तो बट नेचुरल इनका रेशो चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। तो जब भी दो फर्मों का एकीकरण किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि किसी भी साझेदार के एडमिशन पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस की आपसी सहमति से चेंज करने पर, किसी भी साझेदार की डेथ हो जाने के ऊपर या रिटायरमेंट हो जाने के ऊपर, और किसी भी बिजनेस को रनिंग कंडीशन के अंदर बेचते वक्त, और जब दो फर्मों का एकीकरण किया जाता है तो भी ख्याति का मूल्यांकन क्या किया जाता है? गुडविल इज वैल्यूड। स्टूडेंट्स, अब जो अपन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ गुडविल। ख्याति कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ द गुडविल। ख्याति या गुडविल दो प्रकार की होती है। नंबर एक, परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति, यानी कि वो गुडविल जो किसी बिजनेस को खरीदते समय उत्पन्न होती है उसे गुडविल कहा जाता है। परचेज्ड गुडविल का जो फॉर्मूला है, परचेज्ड गुडविल इज इक्वल टू परचेजेज कंसिडरेशन, माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी कि जब किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा जाता है और अदर एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ साथ में जब गुडविल को भी खरीदा जाता है, और गुडविल के बदले में भी जब कैश पेमेंट किया जाता है, और यदि कैश पेमेंट नहीं किया जाता है तो उतने कैश के बराबर कोई एसेट बदले में दे दी जाती है तो उसे परचेज गुडविल कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ए और बी एक रनिंग बिजनेस को बेचना चाहते हैं। इनकी एक फर्म थी, ये अपने रनिंग बिजनेस को बेचना चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो एसेट्स थी वो अपन ने मान ली कि 10,00,000 रुपए की एसेट थी, और इस फर्म के अंदर जो लायबिलिटीज थी, जो कर्जा था, जैसे बैंक लोन वगैरह है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, यानी कि आउटसाइडर्स को पेमेंट कितने रुपए का करना था? 3,00,000 रुपए का पेमेंट करना था। तो 10,00,000 रुपए की एसेट्स है और 3,00,000 रुपए की लायबिलिटीज है, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 10,00,000 में से 3,00,000 रुपए यदि अपन लेस करते हैं तो इस बिजनेस का जो परचेजेस कंसिडरेशन है, क्रय प्रतिफल कितना होना चाहिए? 7,00,000 रुपए होना चाहिए। यदि हम ये बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम कितने रुपए का पेमेंट करेंगे? 7,00,000 रुपए का पेमेंट हमको करना चाहिए। लेकिन ए और बी क्या कह रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस की वैल्यू है आज की तारीख के अंदर 11,00,000 रुपए है। कितनी है? 11,00,000 रुपए है। तो स्टूडेंट्स, ये कितने ज्यादा पैसे मांग रहा है? 11,00,000 में से 7,00,000 रुपए, 11,00,000 रुपए क्या है? परचेजेस कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल, और 7,00,000 रुपए क्या है? नेट एसेट्स। तो इनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये 4,00,000 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये क्रय की गई ख्याति कहलाती है। तो इस तरह से परचेज गुडविल का फॉर्मूला, परचेजेस कंसिडरेशन माइनस
नेट असेट्स। और एक बात स्टूडेंट्स कि परचेजेज परचेज्ड गुडविल को ही आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा सकते हैं। लेखा मानक 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली द परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ख्याति के प्रकार दो तरह की ख्याति होती है, परचेज गुडविल के बारे में अपन पढ़ चुके। दूसरी जो गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं स्व अर्जित ख्याति। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रखा है, स्व अर्जित ख्याति किसे कहते हैं, जो कि पार्टनर्स ने या किसी बिजनेस ने या किसी कंपनी ने या किसी फर्म ने अपनी गुड एफर्ट्स की वजह से या अपनी गुड क्वालिटी की वजह से और अपनी गुड रिलेशंस की वजह से गुडविल बनाई है, जो उन्होंने अर्जित की है, जो उन्होंने अर्न की है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जनरेटेड गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल कांट बी शोन इन द बैलेंस शीट। इस चीज का ध्यान रखना है जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और यदि उसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल यदि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको अपलिखित करना पड़ेगा, उसको फिनिश करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लेखा मानक 26 क्या कहता है कि स्व अर्जित ख्याति को बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जा सकता है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर ये तो किसी बिजनेस को खरीदते समय पैदा होती है, और जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपने गुड रिलेशन से और अपने गुड एफर्ट से पार्टनर्स के द्वारा जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है। और दूसरा क्या है कि केवल परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जा सकता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जा सकता है। इसको राइट ऑफ किया जाता है और परचेज गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको ये दोनों तरह की जो गुडविल है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन समझने की कोशिश करें, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उससे संपर्क करें। आप लोग रुचि लेके इंटरेस्ट लेके इन वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दैट्स ऑल।